अभी तक के जो नतीजे आ रहे हैं महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनाव के, अभी तक के रुझान और नतीजे क्या यूपी का मूड दिखा रहे हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार से लेकर मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर आयशा के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आजादी के नारे भी लगाए। आपको जानकारी दे दें, इससे पहले 21 फरवरी को दिल्ली के रामजस कॉलेज में आयशा ने इसी तरह की नारेबाजी की थी और ये सिलसिला आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर भी देखने को मिला। कश्मीर की आजादी के नारे लगाते हुए आयशा के छात्र पहुंचे, अपना विरोध जताया, आजादी आजादी के नारे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लगा। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी नीरज गौर दे रहे हैं। नीरज, अभी की क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल यहां पर लगातार नारेबाजी चल रही है और उसी के साथ में भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है और जो आईटीयू का सर्विस रोड है, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर का सर्विस रोड है, वहां पर ये तमाम स्टूडेंट इकट्ठा है और वहां पर पुलिस ने पूरा जो कि बैरिकेड करके रखा गया है, लेकिन उसको भी पार करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, उनको लगातार काबू करने की कोशिश की जा रही है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। जी पुलिस किस एक्शन के मोड में है नीरज? जी फिलहाल अभी पुलिस बिल्कुल शांत है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो भी फिलहाल अभी शांत है। उन्होंने बीच में कोशिश की थी कि बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, उसके बाद में जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उसे नीचे उतार दिया, लेकिन फिलहाल अभी लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है और जो पूरा जो रोड है वहाँ पर भी जाम लग गया है, जाम जैसी स्थिति फिलहाल अभी बन गई है, लेकिन जो पूरा जो कि सर्विस रोड है वहाँ पर भारी पुलिस बल जो कि यहाँ पर तैनात कर दिया गया ताकि ये लोग जो है आगे की ओर ना बढ़ पाए। नीरज, बड़ी संख्या में छात्र भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पूर्णिमा, मैं आपको बताऊं कि लगातार छोटी संख्या में जो कि छात्र थे वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे और उसके बाद में अब जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस भी लगातार यहाँ पर चौकन्नी है और उसी के साथ में और जो पुलिस है उसकी भी डिमांड की जा रही ताकि ये लोग जो है आगे की ओर ना बढ़ पाए। आप सुन पा रहे हैं नारेबाजी क्या हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो कि नारेबाजी चल रही है, यहाँ पर आजादी के नारे लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तमाम तरह के यहाँ पर स्लोगन है उसको लेकर के ये लोग यहाँ पर हैं और उसी के साथ में तमाम तरह की आजादी के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। फिलहाल जो स्टूडेंट हैं उनको लगातार कंट्रोल करने की कोशिश है कि ये लोग आगे की ओर ना बढ़ पाए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन जो नारेबाजी है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। ठीक, और दूसरी तरफ आज एबीवीपी के छात्र भी प्रदर्शन करने वाले थे, नीरज उसे लेकर कोई डिटेल मिल रही है? आयशा के छात्र तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर। बिल्कुल पूर्णिमा, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल अभी जो स्टूडेंट हैं उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है और इसी के साथ में जो स्टूडेंट हैं वो लगातार यहाँ पर जो कि नारेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ में जो बैरिकेड है उसको लांघने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जो स्टूडेंट जो कि पुलिस है वो उनको लगातार नीचे उतार रही है और इसी के साथ में जिस तरीके की जानकारी है कि और भी स्टूडेंट यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो पुलिस है उसकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा रही ताकि किसी भी तरीके से जो स्टूडेंट है वो काबू से बाहर ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी देने के लिए। तस्वीरें दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर की आयशा के छात्र प्रदर्शन करते हुए आजादी आजादी के नारे लगाते हुए।